सो फाइनली रिलायंस ने 44th एनुअल जनरल मीटिंग में लॉन्च कर दिया है अपना मच अवेटेड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट। आपको बता दूं गाइस कि ये फोन केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है जिसे जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। सो जानेंगे इस फोन के बारे में सब कुछ आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचते रहें। साथ कोलैबोरेट करके इस इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन को बनाया है जिसका नाम है जियो फोन नेक्स्ट। आपको बता दूं कि ये कोई क्वर्टी कीपैड वाला स्मार्टफोन नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर स्मार्टफोन जो एंड्रॉइड पर चलता है। सो गाइस इस फोन की स्पेसिफिकेशंस आपके साथ शेयर करने से पहले एक जरूरी बात आपको बता दूं कि जियो ने अफोर्डेबल स्मार्टफोन उन लोगों के लिए लॉन्च किया है जो आज भी 2G एनेबल फीचर फोन का यूज करते हैं एंड जल्द ही एक स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं। ऐसा लगता है जियो के इस अफोर्डेबल स्मार्टफोन की लॉन्च के बाद भारत की अधिकतर जनता जल्द ही 4G एनेबल स्मार्टफोन्स का यूज कर पाएगी। इस फोन की डिजाइन की बात करें तो लॉन्च इमेजेस में देखा जा सकता है कि इस फोन का डिजाइन काफी बेसिक होने वाला है। फोन में आपको थिक बेजल्स देखने मिलेंगे टॉप एंड बॉटम पे, साथ ही प्लास्टिक बैक पैनल आपको फोन में देखने मिल सकती है। साथ ही गाइज ये एक एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको प्ले स्टोर भी दिया जाएगा एंड साथ ही आप कोई भी एंड्रॉइड एप्स इस फोन पर आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत ही ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर इस फोन में आपको देखने मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करें गाइज तो इस फोन में आपको मिल सकता है 4.2 या 4.3 इंचेस का डिस्प्ले। साथ ही गाइज पहले हमने लीक्स में सुना था कि ये एक 5G फोन होने वाला है, बट अल्टीमेटली आफ्टर द लॉन्च ये साफ पता चल गया है कि जियो फोन नेक्स्ट एक 4G स्मार्टफोन है। कैमरास की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल सकता है एक सिंगल रियर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट, साथ ही ये स्मार्ट कैमरा आएगा ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर्स के साथ। इसके अलावा फोन में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिलने वाले हैं जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट एंड साथ ही लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी। तो गाइज ये थे जियो फोन नेक्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस जो फिलहाल अभी यही सामने आए हैं। जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें इस फोन के बारे में पता चलेगी वी विल श्योरली शेयर इट विद यू। जब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की गाइस तो अभी तक ऑफिशियली तो कोई प्राइस रिवील नहीं किया गया है, बट कहा जा रहा है कि ये फोन आम आदमी के बजट को देखकर बनाया गया है। दैट्स व्हाई लीक्स में सामने आया है कि इस फोन का प्राइस करीब 2999 से लेकर 3499 के बीच हो सकता है। बाकी लेट्स सी फोन जब लॉन्च होगा तो उसका प्राइस ऑफकोर्स सामने आ ही जाएगा। जब इस फोन के लॉन्च की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी जी ने खुद इस इवेंट पे अनाउंस किया है कि ये फोन 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। सो गाइज ये थी जियो फोन नेक्स्ट की सारी कहानी। ऐसा लगता है गाइज कि जियो एंड गूगल के इस कोलैबोरेटेड एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन में तेज स्पीड इंटरनेट, बड़ी ऑप्टिमाइजेशन एंड साथ ही किफायती दामों की वजह से ये फोन एक गेम चेंजर बन सकता है उन लोगों के लिए जो आज भी 2G एनेबल फीचर फोन्स का यूज करते हैं। बट आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से इस फोन का क्या प्राइस होना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही मिस्टर फोन हिंदी देखते रहिए एंड स्टे सेफ।